मिनट पहले एक डॉक्टर मैडम आई थी, एक डॉक्टर आपा, तो उन्होंने जी एक बात बोली कि उन्होंने कोई उनके मौलवी साहब ने अबॉर्शन की पिल मांगी, तो जी उन्होंने एक बात बोली कि हम तभी देते हैं जब बच्चा खराब निकलता है, डिफेक्ट होता है। तो शेख इस बात पर वजाहत शायद आपके जरिए से नहीं मिली कि वो जायज है क्या शेख, अगर कोई डिफेक्ट निकले तो हम अबॉर्शन के लिए प्रोसीड कर दें, जैसा कुछ। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बजा है। असल में बहुत तफसील है उस मसले में, तो मैं थोड़ा सा तवालत से बचने के लिए उसमें दाखिल नहीं हुआ। हमल ठहरने के बाद किसी उज्र की बुनियाद पर उसे साकित किया जा सकता है, लेकिन उज्र क्या है, वो उज्र क्या है? जैसे डॉक्टर ने बताया कि अगर इस हमल को कंटिन्यू किया गया तो मां को खतरा है, मां की जिंदगी को खतरा है। अब जब मां, और जाहिर है कोई जो मोतमद डॉक्टर होंगे उन्हीं की राय मानी जाएगी इसमें, ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोल दिया और हमने मान लिया। अगर मोतमद डॉक्टरों की टीम ने कहा कि अगर इस हमल को कंटिन्यू किया गया तो मां की जान को खतरा है, अब मां की जान यहां पे ज्यादा अहम है, क्योंकि मां की जान ऑलरेडी हमारे सामने मौजूद है, बच्चे की जान अभी मौहूम है, तो मां की जान को बचाएंगे और उस बच्चे को साकित कर सकते हैं, ये एक बात। दूसरी बात, हमल के जो है चार मराहिल होते हैं, और ये बात हदीस के अंदर भी मौजूद है, और हम कह सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेजों में से है ये चीज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसी तरह से कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है कि हमल चार मराहिल से गुजरता है। अब डॉक्टरों ने इस बात को कंफर्म किया है। पहले मरहले में हमल जो है नुतफे की शक्ल में होता है 40 दिनों तक, जी फिर 40 दिन के बाद अगले 40 दिन तक वो खून जैसे लोथड़े की शक्ल में होता है, उसके अगले 40 दिन तक वो गोश्त के टुकड़े की शक्ल में होता है, उसके बाद फिर उसमें जो है रूह फूंकी जाती है। जी और ये सारी बात डॉक्टर लोग कंफर्म कर चुके हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये चीज मौजूद है। तो ये जो हमल के चार मराहिल हैं, 4 महीना पूरा होने के बाद उसके अंदर रूह फूकी जाती है, तो जब तक उसके अंदर रूह नहीं फूकी गई है तब तक उसे साकित करने के लिए छोटे दर्जे का उज्र है, तब भी उलमा ने इजाजत दिया है, क्योंकि अभी वो इंसान नहीं है, रूह नहीं फूकी गई है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी उसमें रूह नहीं फूकी गई है, उसको हम औरत को हमल हुआ अभी 4 महीना नहीं हुआ है, और जी अभी उस औरत के 2-3 और पहले से छोटे छोटे बच्चे हैं, अब डॉक्टर उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उसकी तबीयत खराब है, कंटिन्यू उसको हमल हो रहा है और उसके लिए उसको झेलना मुश्किल हो जा रहा है, और उस हमल की वजह से उसे बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दिक्कत है, ऐसी सूरत में उसे जायल किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखें कि हमल में औरत को परेशानी होना ये नेचुरल बात है, एक नेचुरल परेशानी होती है और एक नेचुरल से आगे। दुनिया की कौन सी औरत है जिसे हमल में बड़ा आराम होता है? हमल में सबको दिक्कत होती है, तो वो जो सबको दिक्कत होती है वो दिक्कत दिक्कत नहीं है, अगर उसके ऊपर है जिसको झेलना नहीं, भाई उसको तरह तरह की बीमारियां लाइक हो रही उस हमल की वजह से। अब डॉक्टरों ने कहा कि ये सारी परेशानियां इस हमल की वजह से हैं, तो अब जब तक उसमें रूह नहीं फूकी गई है उस औरत का की सेहत का लिहाज किया जाएगा और उसे जायल किया जा सकता है। जब उसके अंदर रूह फूक दी गई, अब उसे साकित करने की फकत एक उज्र, उसका एक उज्र हो सकता है, वो ये कि औरत की जिंदगी को खतरा हो। चाहे गोया कि 4 महीने के बाद जब उसमें रूह पड़ गई, अब और कोई उज्र नहीं है, उस औरत की जिंदगी को खतरा है, तभी उसे साकित किया जा सकता है, वरना नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा जो है पेट के अंदर जिंदा है, लेकिन जब पैदा होगा तो उसके अंदर फला आयब होगा, ये होगा वो होगा, जो है बहुत सारे नक्स होंगे उसके अंदर। तो अब वालिदैन नहीं चाहते हैं कि नक्स वाला बच्चा पैदा हो, अब वो कहते हैं कि अब इसको क्या है साकित करवा देते, नहीं जायज है, खतान नहीं जायज है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका बच्चा 2-4 साल का बच्चा कहीं से गिर जाए, उसका पाँव टूट जाए, पाँव अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसका पाँव काटना पड़ जाए, तो आप बताओ क्या आप ये जायज समझोगे कि अब उसके पास पाँव नहीं है तो उसको मार दिया जाए?
दुनिया का कोई कानून, मतलब कोई अकलमंद इंसान इस बात को सोच सकता है कि उस बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मार दो, या कोई बड़ा आदमी वो बहुत बीमार हो गया, उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई, क्या कोई कानून ये इजाजत देगा कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है, वो हो सकता है थोड़े दिन तक जिंदा रहे तो चलो उसको आज ही इंजेक्शन देके मार देते हैं, तो क्या ये जायज होगा? नहीं। इसलिए अगर हमल के अंदर बच्चे के अंदर कोई नक्स है उसकी बुनियाद पर बच्चे को मार देना, साकित करना, ये जायज नहीं है। और मुझे नहीं मालूम, शायद ये कानून भी जुर्म है, कानून के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारी शरीयत का कानून ये है कि ये कत्ल है, ये कत्ल है, जायज नहीं है। बहरहाल बच्चे को जो साकित करने वाला मसला है वो बहुत ही मजबूरी की हालत में, बहुत मजबूरी की हालत में सबसे पहले तो डॉक्टरों से मशवरा करें, डॉक्टरों की रिपोर्ट लेकर के किसी अच्छे आलिम दीन को दिखाएं, उससे बात करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें।